चलो सबसे पहले ये सवाल को देखना है। तो इस सवाल में हमें तीनों का पूछा गया, लास्ट पेयर का, पाशे और फिशर, तीनों का सूचकांक पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, हम पहले लास्ट पेयर और पाशे का ढूंढ लेंगे, उन दोनों के ऊपर से फिशर का भी मिल जाएगा। तो हमें लास्ट पेयर और पाशे में क्या करना होता है कि दोनों जो है ना, लास्ट पेयर और पाशे, वो दोनों की सोचने की, मतलब सोच सोच जो है उसमें ही चेंजेस है, और उस सोच की चेंजेस की वजह से हमारे सूत्र में चेंजेस आ जाता है ना। नॉर्मली सूचकांक का सूचकांक जो होता है वो क्या होता है, प्राइस का जो अनुपात होता है, P1/P0×100, उसको प्रतिशत में, उस अनुपात को प्रतिशत में अगर लेंगे, मतलब 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा सूचकांक बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी भी दी गई है, तो जब क्वांटिटी दी गई हो, क्वांटिटी मतलब मात्रा, मतलब जत्था है ना, क्वांटिटी दी गई हो, क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस है, तो क्वांटिटी जब दी गई हो तब प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन लास्ट पेयर यह बोलता है कि क्वांटिटी जो है ना वो पुराने साल की लेना लेना पड़ेगा। पासे ये बोलता है कि क्वांटिटी जो वो नए साल की लेना पड़ेगा, लेटेस्ट की, वर्तमान की, पुरानी नहीं, वर्तमान की, प्रेजेंट की लेना पड़ेगा। उस हिसाब से दोनों के फॉर्मूला में भी फर्क आ जाता है ना। तो नॉर्मल सूत्र क्या है, P1/P0×100 और उसका इंडेक्स नंबर है ना। जबकि यहाँ पे क्वांटिटी भी है, तो अगर लास्ट पेयर की बात करें तो यहाँ पे Q00 आ जाएगा, 0 मतलब पुराना, 1 मतलब नया, और उस यहाँ पे ABCD पांच चीज़ें, तो पांचों चीज़ों का टोटल करना पड़ेगा, तो सिग्मा भी लेके लगा देते हैं आगे, तो हमें इंडेक्स नंबर मिल जाएगा लास्ट पेयर का, लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर मतलब सूचकांक। इसी तरह अगर पासे का चाहिए तो हम क्या करेंगे, IP इंडेक्स नंबर ऑफ पासे इज इक्वल टू, मेनली क्या होता है, P1/P0×100, ये तो हमारा मेन सूत्र है सूचकांक का, इंडेक्स नंबर का। लेकिन क्वांटिटी वो क्या बोलता है, प्रेजेंट की लेना पड़ेगा, तो क्वांटिटी कौन सी लेंगे, 1 लेंगे, 1 मतलब प्रेजेंट की, चालू की है ना। तो यहाँ पे बन गया, अब लेकिन यहाँ पे ABCD चार पांच चीज़ें, तो सबका टोटल भी तो करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम होगा, टोटल करने के बाद हमें काम करना है। और फिशर क्या बोलता है, बेचारा बोलता है ना, तो मैं इसका रहा ना तो उसका रहा, दोनों का काम करेगा, वो दोनों के आंसर को ही ले लेगा है ना। तो वो क्या करेगा, लास्ट पेयर का जो आंसर आएगा और फिशर का जो आंसर आएगा उसका अनुपाती माध्य ले लेगा है ना। तो अनुपाती माध्य मतलब यहाँ पे IF का स्क्वायर करना पड़ेगा, IF का स्क्वायर बराबर IL×IP है ना, या फिर वर्ग को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाएंगे तो IL×IP का पूरे का स्क्वायर रूट। इतना करने के बाद अभी हमें सूत्र पता चल गया, तो हमें ढूंढना क्या पड़ेगा, वो भी पता चल गया, P1 P0 ढूंढना पड़ेगा, P0 Q0 ढूंढना पड़ेगा, P1 Q1 ढूंढना पड़ेगा, P0 Q1 ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, P कहाँ पे, P मतलब प्राइस, प्राइस में 1 और 0 क्या है, ताज़ा ताज़ा है वो 1 है और पुराना है वो 0 है, तो P0 P1 हो गया। इसी तरह क्यू यार क्वांटिटी, क्वांटिटी तो दोनों है ही, ये भी क्वांटिटी है और ये भी क्वांटिटी है, लेकिन 1 और 0 कौन सा है, जो ताज़ा ताज़ा 2015 का है वो 1 है और 2014 तो पुराना हो चुका है वो तो 0 है। तो यहाँ पे हो गया क्वांटिटी और प्राइस की बात, तो अभी हो गया उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल यूज़ मिलेगा, यूज़ मतलब कितना हम उपयोग किया है, कितने माल का, कितने रुपए के माल का यूज़ किया है वो हमें मिलेगा, उसका मूल्य मिलेगा। तो हमें सबसे पहले लगाना है पी, यहाँ पे जो लिखा है P1 Q0, तो वो हमें ज़रूरत है तो वो लगा देते हैं P1 Q0, उसके बाद P0 Q0, उसके बाद P1 Q1 और लास्ट P0 Q1, बस ये चार चीज़ों की ज़रूरत है और बाद में उसका टोटल करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे टोटल के लिए थोड़ा सा जगह बना देता हूँ पहले से, बाद में हम अपना काम करते रहेंगे, बीच में कोई रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे टेबल भी आप पेंसिल और स्केल से बना सकते हो, बनाना ज़रूरी है, बना सकते हो, नहीं बनाना ही चाहिए।
इम्प्रेशन खराब तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें टोटल भी करना पड़ेगा जिसके लिए हमने जगह बनाए रखी थी। चलो तो अभी हम स्टार्ट करें कैलकुलेट करना। यहाँ पे कोई मात्रा में कोई चेंजेस नहीं है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। पहले P1 और Q0, P1 हमारा है लास्ट चौथे कॉलम में और P0 Q0 हमारा पहले कॉलम में है, मतलब 25 गुणा 45 कितना होगा 1125, 15 गुणा 30 15 गुणा 30 450, 10 गुणा 36 360, 8 गुणा 25 200 और 30 गुणा 65 1950। इन सब का टोटल कितना होता है? हाँ सर, चार हजार पचासी। किसका टोटल हो रहा है? पी वन क्यू जीरो का टोटल हो रहा है 4085। है ना, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख रहा हूँ। पहले मैंने पी वन क्यू जीरो लिखा, उसके बाद मैंने टोटल बोला तो सिग्मा लिखा, उसके बाद बराबर बोल के 4085 लिख दिया, है ना। उसी तरह पी जीरो क्यू जीरो कैसे मिलेगा? तो पी जीरो हमारा कॉलम नंबर 3 और 1 में मिलेगा 25, 42 गुणा 25 बोलो बोलो 1050। फिर 28 गुणा 15 420, 30 गुणा 10 300 ये आपका टोटल हो गया सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो अर्थात पी जीरो क्यू जीरो का टोटल 3730। पी वन क्यू जीरो, पी वन और क्यू जीरो, क्यू वन दोनों, सॉरी दोनों वन है तो P1 और Q1 45 गुणा 32 1440, 1440 20 दिया 60, 36 दुनी 72, 25 और 15 375 और 65 गुणा 36 2340 सबका टोटल। पी वन क्यू वन का टोटल। इसी तरह पी जीरो क्यू वन, पी जीरो थर्ड है और Q1 ये बाजू में ही है, तेरह सौ चवालीस, तीन दूनी छः, अरे 28 है ना, 560 आएगा। पाँच सौ साठ, तीन दूनी 600, उसके बाद 15 दूनी 30 और 36 256 2160। चार हजार नौ सौ चौसठ ये क्या मिला हमें? सिग्मा पी जीरो क्यू वन। तो ये हमारा टेबल बन चुका है और अभी
हम नीचे गिनती में जाते हैं, तो हम जैसे जैसे ज़रूरत के अनुसार कीमत रखेंगे तो सिग्मा पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो मतलब पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो का टोटल 4085 दिया हुआ है, उसके बटे में पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो का टोटल 3735 दिया हुआ है, गुणा 100 करना है, 4085/3735 मल्टीप्लाई 100 तो 109.37। उसके बाद 547/5 हाँ सात सौ तीस है ना, तो मेरी मिस्टेक है, तो 4085 डिवाइडेड बाय 3730 तो 109.51 आएगा ना। ओके यहाँ पे देखो ऐसी छोटी सी मिस्टेक पूरे सवाल के आंसर को चेंज कर देती है, 5475 डिवाइडेड बाय 4964 मल्टीप्लाई 100 110.29 लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे फिशर में क्या करूँ मैं, यही दोनों के आंसर को ले लूँ, 109.51 मल्टीप्लाई 110.29 मल्टीप्लाई 109.51 उसका स्क्वायर रूट कर दूँ, 109.90 कितना आ रहा है देखो अमन।